Hello everyone, welcome to my channel's VS Education Sub. Today I am here to discuss wrong grammar series ke kuch questions jo ki exam point of view se bahut important questions hai. If you are preparing HBA clerk means IBPS RRB PO and clerk, IBPS PO and clerk, to kisi bhi competitive exams ki preparations kar rahe hain uske liye most important aapke liye wrong number series hai. Theek hai, regular basis pe alternative days pe aapko wrong number series, missing number series, alternate और अर्थमेटिक के क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अपलोड करता हूं. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा लास्ट वीडियोस. अगर मैंने पीडीएफ भी अपलोड किया 60 से 65 क्वेश्चंस आपको रॉन्ग नंबर सीरीज के, 60 से 65 क्वेश्चंस आपको मिसिंग नंबर सीरीज के, और 100 क्वेश्चंस आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चन मैंने विथ पीडीएफ के साथ मेरे चैनल्स पर अपलोड है, अवेलेबल है. प्लीज़ अगर आपने नहीं डाउनलोड किया तो जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा. इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, आई गारंटी. इससे बाहर ये आपने कुछ लगा लिए तो बिल्कुल आपके एग्जाम्स में 5 मार्क्स और अर्थमेटिक के क्वेश्चंस 15 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, आई गारंटी है. मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के इन्हीं में ही प्रॉब्लम होती है, तो उसी से रिलेटेड मैं आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो प्रोवाइड करता हूँ. देखिए, माय मोटो ओनली फॉर योर लॉट ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो, इसी से रिलेटेड है. ओके, आइए स्टार्ट करते हैं. एंड बिफोर दैट, आपको अगर न्यू है चैनल्स पे तो प्लीज आपकी भी फर्स्ट प्रायोरिटी बनती है सेशंस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें फ्रेंड के साथ ताकि वह भी इस टाइप के वीडियो एक तरह से देख सकें, आपके जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन हो, रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चन हो, वह भी पैटर्न जान सके. ओके, चलते हैं, मूविंग ऑन, स्टार्ट ऑन योर सेशंस. फर्स्ट क्वेश्चंस ऑन योर स्क्रीन, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड कर चुका हूं मैं, तो अगर आपने नहीं देखा है लास्ट क्वेश्चंस तो देख लीजिएगा. ये 11th नंबर क्वेश्चंस आज अपन डिस्कशंस करेंगे. ओके, देखिए 11th नंबर क्वेश्चंस क्या कहना चाहता है रॉन्ग नंबर सीरीज के. हिंदी हो इंग्लिश हो कोई कंपेरिजन नहीं है इसमें. अर्थमेटिक में हो तो हिंदी इंग्लिश में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है जो IBPS RRB प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी. ओके, लेकिन इसमें कोई हिंदी नहीं है, कोई इंग्लिश नहीं है. देखिए 11th नंबर में 38 से 50, 50 से 55 एंड 65 एंड 76 एंड 89 एंड 106. मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इसको कहेंगे सर सीरीज रॉन्ग है, सीरीज में एक टर्म रॉन्ग है, कौन सा पैटर्न है ये अपन देखते हैं. देखिए, आई होप आपने सॉल्व किया होगा वीडियो को पॉज करके. अगर आपने नहीं किया है देखिए सॉल्व करते हैं अपन साथ में, बिल्कुल एकदम तसल्ली से बैठ के एकदम आराम से सॉल्व करेंगे. हड़बड़ ज़्यादा हड़बड़ नहीं करेंगे, हड़बड़ में इजी क्वेश्चंस भी बहुत एक तरह से कह सकते हैं गलत हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, एग्जाम्स में मार्क्स के एक तरह से कह सकते हैं डिक्रीज हो जाता है. तो याद रखिए हड़बड़ नहीं कर, बिल्कुल ईजी लेवल पर आराम से सॉल्व करें, कोई टाइम की ऐसे लिमिटेशन नहीं है. अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व है तो वेल एंड गुड है, ओके. थोड़ा स्पीड आपको रखना पड़ेगा. देखिए 38 से 15, राइट, 38 से 15 डिफरेंस भी इस पर नंबर सीरीज है, तो इसमें 12 का डिफरेंस है, यहाँ प्लस 5 का डिफरेंस है, राइट, यहाँ आपके 10 का डिफरेंस है, राइट, यहाँ आपके 65 से 76 11 का डिफरेंस है, राइट, यहाँ आपके 76 प्लस 13 इजिकल टू 89, राइट, 89 का डिफरेंस है, और यहाँ आपकी 89 11 और 6 इजिकल टू 17 का डिफरेंस है, राइट. तो दिस इज द पैटर्न, ये पैटर्न अब चीज आपको देख रही है. आप इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं. देखिए इस टाइप से सॉल्व एक तरह से आइडिया लगा सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं, माइंड अपना लगा सकते हैं. 17 13 प्राइम नंबर तो नहीं चलता, 11 यहाँ 7 आएगा, यहाँ 7 आएगा, फिर यहाँ 5 तो है अल्टरनेटिव, तो यहाँ 7, तो यहाँ फिर गलत है, तो प्राइम नंबर सीरीज नहीं कह सकते अपन. ओके, अब देखिए किस बेसिस पे आप दिमाग लगा सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर इस टाइप से कंफ्यूज करता है कि हाँ प्राइम नंबर चल रहा है तो यहाँ भी प्राइम नंबर, प्राइम नंबर नहीं चल रहा है. इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. ओके, देखिए 12th, आपके 12th आपको रिमेम्बर होगा, 12th कैसे आया, 12th देखिए यहाँ पर 12th अपन नहीं आया, यहाँ पर देखते हैं 5 5, ये इसका टोटल्स आपको 5 लग रहा है, यस, ये इसका टोटल्स यहाँ पर आपको 5 लग रहा है, राइट, 5 और 5 10, बिल्कुल सही है, 6 और 5 11, बिल्कुल सही है. तो दिस इज द पैटर्न, ये 3 डिजिट अपने आइडेंटिफिकेशन कर लिए, तो 12 यहाँ पर नहीं आना चाहिए, इसका मतलब ये टर्म्स रॉन्ग है, 38 इज द रॉन्ग आंसर. ओके, ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ओके, 38 यहाँ पर नहीं आना चाहिए था. ओके, किस रिलेटेड क्वेश्चन से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, 65 यहाँ पर देखिए 6 और 5 13 बिल्कुल सही है, 8 और 9 17 बिल्कुल सही है. दिस इज द पैटर्न, ये पैटर्न एक तरह से हो सकते हैं ऑल ओवर डिजिट के, कोई पैटर्न ना फॉलो तो आप सीरीज में देखिए किससे रिलेटेड, कोई मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है, कहीं इंटू नहीं है, कई सम्स तो नहीं है सीरीज का, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कर सकते हैं. ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके, आई होप आपको अच्छा लगा होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन का पैटर्न अच्छा लगा होगा, न्यू पैटर्न है बिल्कुल. ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 48 50 45 46 एंड 47 एंड 34 एंड 58 एंड 4 एंड 89. ओके,
कुछ स्टूडेंट्स सम स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस देख रहे हो सर ये क्वेश्चंस भी रॉन्ग है, ये क्वेश्चंस भी रॉन्ग है, कोई क्वेश्चन सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 45 यहाँ पर 4 आ गए, तो ये क्वेश्चंस भी रॉन्ग है। इस टाइप से आप कह सकते हैं, क्योंकि जिनके प्रैक्टिस नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 100% इसका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट। देखिए 48 देखिए ज़्यादा डिजिट तो यानी कि 3 और 3, 6 और +2 यानी कि 8 डिजिट का एक एक तरह से कह सकते हैं 8 टर्म्स हैं इसमें, नंबर सीरीज में, रॉन्ग नंबर सीरीज में 8 टर्म्स हैं। 8 टर्म्स में आप देख सकते हैं ये ज़्यादा टर्म्स हो तो एक तरह से अल्टरनेटिव यानी कि एक छोड़ के एक नंबर सीरीज में कैलकुलेशंस करते हैं। देखिए 8, 48 -2 राइट राइट 48 -2 6 एंड 46 माइनस, आप कितना माइनस करेंगे ताकि 34 आ जाए, 6 और 6 यानी कि 12 माइनस करेंगे राइट। 36 -4 यानी कि यहाँ पर 30 राइट, यहाँ पर 30 ओके। तो दिस इज द पैटर्न, ये पैटर्न अब 2, 12, 30 ये किस टाइप का पैटर्न है। देखिए इसमें भी नंबर सीरीज एक छुपा हुआ है, पैटर्न छुपा हुआ है। देखिए 1 × 2 राइट, आप इस टाइप से लिख सकते हैं 1 × 2 एंड 4 × सॉरी 3 × 4 राइट, ज़्यादा समझ में आएगा। 4 × 3 लिखे, 3 × 4 लिखे, लेकिन ये सीरीज चल रही है 2, 3, 4 एंड 5, 5 × 6 राइट। तो दिस इज द पैटर्न 5 × 6 यानी कि 30। और नेक्स्ट हम देखिए यहाँ पे भी 2, यहाँ पर +2 है राइट, +2 यहाँ पर आपके, यहाँ पर आपके 11 है, तो दिस इज द पैटर्न, यहाँ पर तुरंत ही रॉन्ग हो गया, तुरंत आंसर क्लिक किया और आगे बढ़े। 58 यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ओके। 58 इज द करेक्ट आंसर ओके। 58 की जगह यहाँ पर 12 का डिफरेंस हो, यानी कि 59 होना चाहिए, 50 ओके, 59 + 30 इज इक्वल टू ओके, यहाँ पर 30 का डिफरेंसेस बिल्कुल सही है। तो यानी कि 5 × 6 ओके एंड आपके 3 × 4 यहाँ पर 12 अपने ऑटोमेटिकली आ गया ओके एंड 1 × 2 राइट। दिस इज द पैटर्न, आई होप आपको अच्छा लगा क्वेश्चन, पैटर्न अच्छा लगा। देखिए डिफरेंस में भी एक तरह से मल्टीप्लीकेशन का मैंने पैटर्न दिया है। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं कि जो डिफरेंसेज हो, किस रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में स्टूडेंट कन्फ्यूज हो, टाइम कंज्यूम करे अपना, कुछ स्टूडेंट को लगा हो कि सर क्वेश्चन भी रॉन्ग है, नहीं पर लेकिन क्वेश्चन सोल्व हुआ, देखिए किस टाइप से आंसर इसमें एक तरह से कह सकते हैं पैटर्न क्या था, बहुत ही अच्छा पैटर्न था। इफ़ यू लाइक द माई पैटर्न, इफ़ यू लाइक द माई एफर्ट, इफ़ यू लाइक द क्वेश्चन, तो प्लीज़ आप भी डोंट फॉरगेट द लाइक बटन, लाइक बटन पर प्रेस करें, शेयर करें फ्रेंड के साथ एंड सब्सक्राइब कर ले चैनल्स को ओके। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चंस पर ओके। 13 नंबर क्वेश्चंस देखिए 42, 87, 152, 233 एंड 330 एंड 4, 47 एंड 582, 582 याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा एक तरह से कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, एग्जामिनर में टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है ओके। देखिए 47 एंड 87 एंड 150 150 आपको तुरंत रिमेंबर हो जाना चाहिए, ये 12 का स्क्वायर प्लस 6 हो रहा है ओके। आप डिफरेंस बेस भी करें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफरेंस बेस भी करें तो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा लगेगा एंड थोड़ा स्क्वायर के बेसिस पर देखें फर्स्ट ऑफ ऑल, तो स्क्वायर के बेसिस पर आपको एक तरह से इजीली सोल्व हो जाएगा एंड टाइम सेव कर सकते हैं आप ओके। ये 87 आपको मालूम है, 87 9 का स्क्वायर 81 + 6 राइट, ये 9 ये 12 इस 9 12 ये 6 होना चाहिए, 6 6 का स्क्वायर 36 + 6 42 इज द, यानी कि यहाँ तक पैटर्न बिल्कुल सही है। नेक्स्ट टर्म देखिए 3 अपन को मिल गया, तो नेक्स्ट टर्म अपन लिखते हैं 6 9 12 15 + 6 15 + 6 यानी 15 का स्क्वायर 225 + 6 231 यानी कि 231 आना चाहिए था, यानी कि दिस पैटर्न इज रॉन्ग, 233 इज द रॉन्ग आंसर ओके। 233 यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ओके। नेक्स्ट टर्म्स आपको मालूम है 15 15 3 18 18 का स्क्वायर होता है आपके 18 का स्क्वायर हो गया 324 + 6 यानी कि
330 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आगे अपने को आइडेंटिफिकेशंस एक तरह से कह सकते हैं निकालने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत आपको एक तरह से रॉन्ग टर्म्स आपको मिल गया होगा। दिस इज द पैटर्न, ये न्यू पैटर्न है एक तरह से कह सकते हैं, न्यू पैटर्न भी नहीं, आपने क्वेश्चन सोल्व किए होंगे लेकिन आपने डिफरेंसेज बेस पर, आप डिफरेंस बेस पर लेना चाहें तो सोल्व कर सकते हैं डिफरेंस, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, अपने को टाइम सेविंग करके लॉट ऑफ क्वेश्चन सोल्व करने हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ओके, एग्जाम ने तो ऐसा क्वेश्चन देखा कि रिलेटेड के कौन सा टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा हुई, क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में मिलेंगे। ओके, आपको एक तरह से स्मार्टनेस दिखानी है किस टाइप से सॉल्व करना है। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, 14 नंबर क्वेश्चंस। देखिए 217 एंड 1167 एंड 8000 एंड 8157 एंड 48957। ओके, तो ये पैटर्न है, बहुत ही कैलकुलेटिव नंबर सीरीज है, ध्यान से देखिएगा। ओके, बिल्कुल एकदम स्पीडली आपको सॉल्व करना पड़ेगा ये क्वेश्चंस। ओके, देखिए 247, 2 से 2 और 17 से 147, ये इसका 9 टर्म्स है, यही रखिए, ये इसका 9 टर्म्स है। 9 टर्म्स मींस ये 9 17 9 जा 153, 153 माइनस अपन 6 करेंगे तो एक तरह से 147 अपने पास मिल सकता है। ये इसका 9 टर्म है तो ये इसका 10 टर्म्स अपने को ऑटोमेटिकली पता चलता है, यानी कि ये इसका 10 टर्म्स है तो यानी कि माइनस 3, 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20, माइनस 3 इज इक्वल टू 17, यानी कि ये एक तरह से पैटर्न फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, ये इसका 10, 9, ये इसका 8 टर्म्स कह सकते हैं अपन, ये इसका 8 टर्म, ये इसका 7 टर्म, ये इसका 6 टर्म्स, 6 टर्म्स, 8 6 का 48, यानी कि 6 टर्म्स बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब ये एक तरह से मल्टीप्लिकेशंस तो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, यानी कि 8 से मल्टीपल करते हैं, 8 7 जा 8 7 जा 56, 5 8 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 32 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 एंड 7 एंड 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 और 3 11, राइट, 1176 माइनस आपके 3 और 6 9, राइट, 3 और 6 9, यानी कि 10 9 और 8 बिल्कुल सही है, 3 6 9 बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ तो पैटर्न माइनस 12, राइट, यहाँ पर पैटर्न माइनस 15, राइट, यहाँ पर पैटर्न माइनस 15। ओके, अब देखिए ये पैटर्न इंटू 7, इसमें इंटू 7 की मल्टीपल करेंगे, 7 7 जब 49, यानी कि 9 आएगा, 9 में से 2 रिमेंबर हुआ तो 7 है, यहाँ तक एक तरह से कह सकते हैं बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट टर्म्स देखिए 7 6 जा 42, 42 माइनस 42, यानी कि 2 एक 12 मानिए, 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7। ओके, 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7, इस टाइप से आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। देखिए इससे अपन कैलकुलेशंस करते हैं, 7 7 जा 19, राइट, 4 कैरी, 7 6 जा 42, 42 और 4 7 46, यानी कि 4 कैरी, 7 1 जा 7 एंड 1, ओके, एंड 7 1 जा 7 एंड 1 1 8, ओके, 8 एंड 12 अपन रिमेंबर टोटल इसमें से निकाल देते हैं, टोटल अपन इसमें से निकाल 57, यानी कि यहाँ तक सही है तो दिस टर्म इज रॉन्ग, यानी कि 48,907 इज द रॉन्ग आंसर, 48,000 नो, ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये पैटर्न है, बिल्कुल एक कैलकुलेशन किया, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल अगला टाइम ही रॉन्ग होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा, क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चंस है। इफ यू लाइक द क्वेश्चंस, इफ यू लाइक द सॉल्यूशंस, अगर कुछ सीखा है आपने तो प्लीज डोंट फॉरगेट द लाइक बटन, लाइक बटन पर प्रेस करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल्स को, इस टाइप के क्वेश्चन आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहेंगे। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल ईजी हलवा टाइप क्वेश्चन। देखिए 17 से 15, 15 से 31, देखिए 15 से 31 इंटू 2 प्लस 1 बिल्कुल, एंड इंटू 2 प्लस 1, इंटू 2 प्लस 1, ओके, इंटू 2, इंटू 2 62 प्लस 3 बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल रॉन्ग एक तरह से, यहाँ तक बिल्कुल रख रहा है, रॉन्ग हो गया, यहाँ पर देखिए इंटू 2 प्लस 1, इंटू 2 प्लस 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो दिस पैटर्न इज रॉन्ग, यानी कि यहाँ तक भी सही है, यहाँ तक ये भी पैटर्न सही है, ये भी सही है, तो दिस पैटर्न इज रॉन्ग, यानी कि 65 इज रॉन्ग, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 31 इंटू 2 प्लस 62, 62 प्लस 1 यानी कि 63, 63 इंटू 2, 63 इंटू 2 आपके
126, 126 plus 7 is equal to 127. ओके आई होप यू हैव गॉट इट वेरी वेल. बिल्कुल 10 टू 15 सेकंड का क्वेश्चन था. इस बेसिस पे आप क्वेश्चन एग्जाम्स में टाइम सेविंग कर सकते हैं. ओके आई होप यू हैव गॉट इट वेरी वेल. इफ यू लाइक द क्वेश्चन, इफ यू लाइक द सॉल्यूशंस, इफ यू लाइक द माई एफर्ट, तो प्लीज डोंट फॉरगेट द लाइक बटन. लाइक बटन प्रेस करें, शेयर करें फ्रेंड के साथ एंड सब्सक्राइब कर लें चैनल्स को, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए. और हिट द बेल आइकन. ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. I hope you are enjoy the sessions. If I enjoy the sessions, so please hit the like button, share the video and subscribe my channel. Jai Hind, Jai Bharat. Love you all.